आज मुस्लिम देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक ऐसे मिशन की जो भारत के लिए तीन तरफा फायदा लेकर आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका से अब सीधे इस्लामिक देश मिस्र पहुंच गए हैं। अब से तीन घंटे पहले पीएम मोदी दो दिन के राजकीय दौरे पर मिस्र की राजधानी काहिरा पहुंचे हैं। पीएम मोदी का ये पहला मिस्र दौरा है, लेकिन मिस्र के साथ रिश्ते को लेकर बेहद खास और रणनीतिक है। काहिरा पहुंचने पर मिस्र के प्रधानमंत्री मदबोली ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम मोदी को एयरपोर्ट पर ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। 26 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री मिस्र के दौरे पर आया है। पीएम मोदी अगले दो दिन मिस्र के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अल सीसी के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे, जिसमें कई कारोबारी समझौतों पर भी मुहर लग सकती है। लेकिन उससे पहले आज जब पीएम मोदी काहिरा पहुंचे तो मिस्र में भारतीय मूल के लोगों ने भी उनका बेहद शानदार तरीके से स्वागत किया। लेकिन उससे पहले एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। We are all honored today and we are like very happy, बहुत खुश रहे क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मिल गए। It's honored to Egypt. We as Egyptian, we like cherish and love the Indian culture and we and the Indian people, we like the Prime Minister said, we feel no difference between each other. We love like all thing about all, everything about India. Really, I'm proud of that and of two culture also. हिंदी एंड इजिप्शियन कभी कभी महसूस है जब मैं इंडियन कोई मूवी देखती है, सीरियल देखती है, कि हम एक है, कोई डिफरेंट नहीं है, बस इसलिए। आप हिंदी कब से सीखना शुरू की थी, कितना? बी ऑनेस्ट, फ्रॉम हिंदी मूवी से। कभी कभी मैं बोलती हूँ कि मेरे दिल भी हिंदुस्तानी है। It's the first time to participate in such an event. It's just a great honor. I'm very happy. I was very excited about meeting him. I was very happy to meet a great person like him. So it was an honor to meeting him, actually. It was a surreal moment for me because Modi ji is a very inspirational person. And he himself has inspired me and probably many other people in this room. And also he's done many great things for India. And he's taken India to the level it is today. तो भारत और मिस्र की दोस्ती नई नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक लिहाज से देखें तो यह मित्रता 4000 साल पुरानी है। यानी दोनों देशों के रिश्ते में अगर इतिहास की गहराई है तो वर्तमान की ऊर्जा और भविष्य की नई उम्मीदें भी हैं। जबकि इस कालखंड में महात्मा गांधी और मिस्र के क्रांतिकारी साद जगजुल के रिश्ते के जिक्र के साथ ही भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर का भी नाम लिया जाता है, जिनकी केमिस्ट्री ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी थी। और अगर नए जमाने की बात करें तो पिछले ही साल भारत और मिस्र ने अपने कूटनीतिक रिश्ते के 75 वर्ष पूरे किए हैं। जबकि इस साल मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी भारत के गणतंत्र दिवस के मौके पर नई दिल्ली में मुख्य अतिथि थे। इससे पहले अल सीसी अक्टूबर 2015 में और फिर सितंबर 2016 में भारत का राजकीय दौरा कर चुके हैं। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार राजकीय दौरे पर मिस्र पहुंचे हैं। इस दौरे की महत्ता के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लें कि मिस्र में भारत इतना लोकप्रिय क्यों है। तो ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से दोनों देशों के बीच दोस्ती है। और जब यूक्रेन की माफ कीजिएगा इजिप्ट की ओर से यहां पहुंचे थे, भारत पहुंचे थे अल सीसी, तो उनका किस तरह से स्वागत किया गया था और दोनों नेताओं के बीच की केमिस्ट्री भी देखने को मिली थी। भारत और इजिप्ट दोनों देशों के बीच रिश्ते ऐतिहासिक हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि
भारत और मिस्र के बीच में 4,500 साल से संबंध है, हमारे मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स रहे हैं। हमारे जो एम्परर अशोक थे उन्होंने 3rd century BC में मिस्र के जो एम्परर थे पटोलमी द सेकंड फारोआ जो थे उनके बारे में जिक्र किया था, और उसके बाद हजारों साल हमारा संबंध रहा है। और मिस्र में जो भी आता है वो देखता है कि मिस्र के लोग भारतीय संस्कृति से बहुत ही वो अपने को निकट समझते हैं, वो भारत के पास आना चाहते हैं। जो हमारे फैमिली वैल्यूज़ है, ट्रेडिशंस है, बॉलीवुड म्यूज़िक डांस, और पिछले कुछ सालों में जो योगा है वो मिस्र में बहुत ही पॉपुलर है। अमेरिका दौरे के ठीक बाद प्रधानमंत्री मोदी का यह मिस्र दौरा इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत यूरोप और अमेरिका तक अपनी व्यापारिक साझेदारियों के लिंक्स को कनेक्ट करने के लिए मिस्र की अहमियत समझता है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है स्वेज कैनाल, जहां पर मिस्र का नियंत्रण है। मिस्र ने अपने वैश्विक कारोबार को विस्तार देने के लिए यहां स्वेज कैनाल इकोनॉमिक जोन बना रखा है। यह इकोनॉमिक जोन भारत को अपने व्यापारिक रिश्ते को और ज्यादा व्यापक बनाने के लिए अहम बनता जा रहा है। इस अहमियत को हम एक मैप के जरिए आपको समझाते हैं। दरअसल भारत के लिहाज से स्वेज कैनाल यूरोप और अमेरिका से जोड़ने के लिए बेहद रणनीतिक कारोबारी रास्ता है। यह समुद्री मार्ग हिंद महासागर को रेड सी के रास्ते भूमध्य सागर से जोड़ता है, जो इसराइल के हाइफा तक भारतीय कारोबार की पहुंच बना सकता है। इस नक्शे में आप देख सकते हैं कि भारत के ग्लोबल बिजनेस का हाईवे स्वेज कैनाल की वजह से कितना सुगम हो सकता है, यानी भारतीय सामान मध्य पूर्व एशिया, अफ्रीका, पश्चिम एशिया, यूरोप और अमेरिका तक कम समय और कम लागत में पहुंच सकता है। स्वेज कैनाल जो कि मिस्र के कब्जे में है और मिस्र का यहां पर नियंत्रण है, लिहाजा भारत को यहां से अगर बेहतर एक्सेस और मिलती है तो यूरोप तक पहुंचना काफी आसान हो जाता है। तो ये तस्वीरों के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं स्वेज कैनाल जो कि भूमध्य सागर को जोड़ता है रेड सी से, और मिस्र का नियंत्रण है, लिहाजा इसके बाद यहां से यूरोप से लेकर अमेरिका तक पहुंचना भारतीय सामानों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो स्वेज कैनाल के रास्ते करीब 48 लाख बैरल क्रूड ऑयल रोजाना जहाजों के जरिए दुनिया के कई मुल्कों तक पहुंचता है। इसमें 5 लाख बैरल क्रूड ऑयल भारत भी पहुंचता है, लेकिन सिर्फ क्रूड ऑयल नहीं बल्कि पीएम मोदी के दौरे से भारत और मिस्र के रिश्तों के बीच कारोबारी आंकड़े में नए उछाल आने की उम्मीद पैदा हो गई है। दोनों देशों में इस व्यापारिक रिश्ते को समझिए, भारत और मिस्र के बीच मजबूत द्विपक्षीय कारोबार है। 2022-23 में यह कारोबार करीब $6 बिलियन था, हालांकि 2021-22 में यह आंकड़ा $7 बिलियन से थोड़ा ज्यादा था। लेकिन दोनों देशों के बीच व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में है, यानी भारत से निर्यात ज्यादा होता है। इस आंकड़े को देखिए, साल 2022-23 में भारत ने मिस्र को करीब $4 बिलियन का सामान निर्यात किया, जबकि आयात लगभग $2 बिलियन का हुआ था। दूसरी ओर 2021-22 में भारत ने $3.7 बिलियन से ज्यादा का निर्यात किया था, लेकिन मिस्र से $3.5 बिलियन का सामान आयात किया था। लेकिन साल दर साल भारत की ओर से निर्यात बढ़ता जा रहा है, और प्रधानमंत्री मोदी के इस ऐतिहासिक मिस्र दौरे के साथ दोनों देशों के बीच अब नए दौर की शुरुआत होने वाली है। इस वक्त 50 भारतीय कंपनियों का मिस्र में निवेश है, जो $3.2 बिलियन से ज्यादा का है। भारतीय कंपनियों में मिस्र के 35,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है। दूसरी ओर भारत में मिस्र का निवेश $37 मिलियन है। मिस्र भारत के लिहाज से बेहद अहम है, और भारत और मिस्र की नई दोस्ती बुलंदी की ओर चल पड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस मिस्र यात्रा से कुछ समय पहले स्वेज कैनाल इकोनॉमिक जोन ने भारत के साथ व्यापारिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए बैठक की थी। इसमें क्लीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर निवेश की संभावनाओं पर चर्चा हुई थी। इसके साथ ही इस साल रिपब्लिक डे के अपने राजकीय दौरे पर भारत से लौटने के बाद राष्ट्रपति अल-सीसी ने भारत और मिस्र के संबंधों को और बेहतर करने के लिए अपनी कैबिनेट इंडिया यूनिट का भी गठन किया था। After President Sisi's highly successful visit to India in January 2023, both countries agreed to elevate the relations to a strategic partnership, and on his return, President Sisi constituted a special India unit in his cabinet, which consists of senior ministers, and they have been tasked to improve relations with India. दरअसल कारोबार के साथ साथ भारत और मिस्र के साथ रक्षा समझौते दोस्ती की मजबूती पर मुहर लगाते हैं। इस साल जनवरी में दोनों देश की सेनाओं ने साझा सैन्य अभ्यास किया था। मिस्र भारत के रक्षा उत्पादों में इन दिनों बेहद दिलचस्पी भी दिखा रहा है।
पिछले साल मिस्र के वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल मोहम्मद अब्बास हेल्बी ने भारत का दौरा किया था, जिसमें वो बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी गए थे। माना जा रहा है कि मिस्र तेजस फाइटर जेट के साथ भारत में निर्मित मिलिट्री हेलीकॉप्टर, आकाश मिसाइल सिस्टम और राडार खरीदने का भी इच्छुक है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मिस्र के साथ रक्षा रिश्ते को मजबूत करने के लिए पिछले साल काहिरा का दौरा किया था, जिसमें उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी के साथ वहां के रक्षा मंत्री से भी मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिस्र की राजधानी काहिरा पहुंचने के बाद उनका जबरदस्त स्वागत किया गया और आगे उनका अल मस्जिद का भ्रमण का भी कार्यक्रम है। इस मस्जिद का भारत से ऐतिहासिक और बेहद करीबी रिश्ता रहा है। काहिरा की यह मस्जिद 1000 साल पुरानी है और इसका भारत में रहने वाले दाऊदी बोहरा समुदाय से गहरा नाता है। इस मस्जिद के पुनरुद्धार में भारतीय बोहरा समुदाय का बड़ा योगदान है। बोहरा समुदाय ने इसके पुनर्निर्माण में वित्तीय मदद दी थी। पीएम मोदी अल हकीम मस्जिद भी जाएंगे। 11वीं सदी में बोहरा समुदाय मिस्र से आकर यमन होते हुए गुजरात के पाटन में बस गया था और यह वो मस्जिद की तस्वीरें आप देख सकते हैं। बेहद खूबसूरत मस्जिद और इसका भारत से भी ऐतिहासिक कनेक्शन रहा है। दाऊदी बोहरा समुदाय जो कि गुजरात में बेहद अहम कारोबारी, वहां उनकी भूमिका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दाऊदी बोहरा समुदाय के साथ काफी अच्छे रिश्ते हैं। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मिस्र में इस मस्जिद का दौरा करते हैं तो कहीं ना कहीं भारत में भी जो दाऊदी बोहरा समुदाय के लोग हैं उनके साथ बेहतर कनेक्ट होता है। यह खूबसूरत मस्जिद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मिस्र में काहिरा पहुंचे तो दाऊदी बोहरा समुदाय के लोग जो वहां मौजूद थे उन्होंने उनका जबरदस्त स्वागत किया। पीएम जब भी किसी विदेशी मुल्क में जाते हैं तो वहां रहने वाले भारतवंशियों के साथ संवाद करते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि दाऊदी बोहरा समुदाय के लोगों से उन्होंने मुलाकात की है। दाऊदी बोहरा समुदाय जिनका ओरिजिन मिस्र में है लेकिन वे गुजरात के पाटन इलाके में बसे और उसके बाद अलग अलग जगहों में फैले हुए हैं। तो मिस्र की तस्वीर, इस खास मस्जिद की तस्वीर, मस्जिद का जब पुनर्निर्माण किया गया तो भारत के दाऊदी बोहरा समुदाय के लोगों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर योगदान दिया। दाऊदी बोहरा समुदाय जो कि परंपरागत तौर पर कारोबारी समुदाय माना जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके काफी अच्छे रिश्ते हैं। मिस्र दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां की राजधानी काहिरा के हेलियोपोलिस युद्ध सेमेट्री भी जाएंगे, जहां वो 4000 भारतीय जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। आपको बता दें कि हेलियोपोलिस में भारतीय सेना के 4000 सैनिकों के स्मारक हैं जिन्होंने मिस्र की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाई थी। पीएम मोदी उन्हीं अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। आपको बता दें कि ये सभी जवान प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए थे। उन्होंने मिस्र फिलिस्तीन की रक्षा के लिए शहादत दी थी। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन और तुर्की के बीच भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें ब्रिटेन की तरफ से भारतीय जवानों ने जान की बाजी लगाकर दुश्मनों से मिस्र की रक्षा की थी। उन्हीं शहीदों की स्मृति में स्वेज बंदरगाह पर एक युद्ध स्मारक बनाया गया जो 1967 के इसराइल मिस्र युद्ध में तबाह हो गया। बाद में इसे काहिरा के हेलियोपोलिस में फिर से बनाया गया। तो मिस्र का प्रधानमंत्री का दौरा काफी अहम है और हेलियोपोलिस में जो युद्ध स्मारक है वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो भारतीयों का मिस्र के साथ कितना पुराना रिश्ता है, ऐतिहासिक के साथ साथ सामरिक भी संबंध रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी मिस्र की रक्षा करते हुए और ऐसे में भारत और मिस्र की जो दोस्ती है वो काफी मजबूत हो जाती है इन ऐतिहासिक तथ्यों की वजह से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र के दौरे पर पहुंचे हैं और ऐसे में दोनों देशों के संबंधों के और मजबूत होने की उम्मीद है। Z News.